अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं डिश बनाने जा रही हूँ वो पाकिस्तान के हर घर की रवायत है, हर घर में वो डिश बनाई जाती है और खाई जाती है। आप लोग गैस करें, आज आज मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि क्या बन रहा है। जिन्होंने गैस कर लिया है वो समझ गए होंगे। आज जो मैं डिश बना रही हूँ उसका नाम है आलू गोश्त। जी हाँ, आलू गोश्त बनाया जा रहा है आज। आलू गोश्त के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक प्लेट मैंने गोश्त लिया है, प्याज ली है मैंने छोटी 6, आप बड़ी लेंगे तो आप 3 लीजिएगा। लहसुन के जोए लिए हैं मैंने 6, इसको मैंने छोटा कर लिया है। आलू लिए हैं मैंने, नमक लिया है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हल्दी ली है थोड़ी सी, धनिया पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, जीरा लिया है 1 टीस्पून। शुरू करते हैं अब अपनी रेसिपी। घी लिया है मैंने 1 कप। सबसे पहले हम पतीले में गोश्त डालेंगे, लहसुन डालेंगे, प्याज डालेंगे, और अब इसमें पानी डालेंगे। पानी आप इतना डालना है कि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब गोश्त को मैंने मसाला अपना जो है लहसुन प्याज डाल के पकने के लिए रख दिया है। अब इसमें उबालना शुरू हो गया है, हमने इसको पकाते रहना है जब तक हमारा गोश्त न गल जाए। 15 मिनट बाद गोश्त को चेक करेंगे, गोश्त में अभी पानी हमारा हैगा, हमने इसका पानी पूरा खुश करना है। दोबारा हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि गोश्त का पानी खुश्क हो जाए। अब हम गोश्त को देखेंगे अपने, गोश्त का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम उसको चम्मच से हिला लेंगे, जो हमारे जो प्याज और लहसुन है वो उसको मैश कर लेंगे। गोश्त का पानी खुश हो चुका है और जो हमारे लहसुन और प्याज थे वो भी हमारे गल चुके हैं, और मैंने जो थे वो उनको अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे। सब मसालों को डालने के बाद चम्मच से इसको हिलाएंगे। अब हम इसमें अपना घी शामिल करेंगे। घी मैंने 1 कप लिया है, घी डालने के बाद चम्मच से इसको हिलाएंगे।
मैंने इसमें घी डाला था, आप चाहें तो इसमें और भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें आलू डालूंगी, सालन में आलू डाल रही हूँ। सालन में आलू डालने के बाद चम्मच से इसको हिला लेंगे। चूल्हा हम तेज कर देंगे और मसाले को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। आलू गोश्त जो है वो पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है और लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। अब हम इसको चम्मच से हिला लेंगे। सालन को हमने अच्छे तरीके से भूनना है, जो सालन में जो घी है वो ऊपर आ जाए। आस पास से जो पतीली में लगा होता है वो भी उतार लिया करें, ताकि जो पतीली का जो सालन है वो भी इसमें शामिल हो जाए। घी हमारा थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हो गया है। जब आसपास से सालन में बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब होता है जो सालन का घी है ऊपर आ गया है। घी हमारा ऊपर आ गया है और मसाला हमारा पूरा अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आपने इतना लेना है कि जो आपके आलू हैं वो गल जाएं। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद चम्मच से इसको हिला लूंगी। सालन में बुआल आना शुरू हो गया है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे, ताकि हमारे जो आलू हैं वो गल जाएं। घंटा हो चुका है, अब हम अपना सालन चेक करेंगे। सालन हमारा गाढ़ा हो चुका है। सालन को हमने, सालन का जो पानी है वो हमने रखना है, क्योंकि ये लिक्विड वाला सालन होता है। इसको हमने खुश्क सालन नहीं बनाया, ये हमने लिक्विड वाला सालन बनाया है। अब हम इसे अपनी सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये बहुत मज़ेदार बनता है, खाने में बहुत मज़े का होता है। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे।
मोटी मिर्ची डाल देंगे। मज़ेदार गर्मा गर्म आलू गोश्त तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें। आलू गोश्त बहुत ही मज़े का बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आपने डिश ट्राई की तो आपकी डिश कैसी बनी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।